रोड थोड़ी सी यहाँ से टूटी हुई है, जो ये खड्डे सोमदत्त जी ने करवाए थे यहाँ पे, इनको भरवाया जाए ताकि ये रिक्शा विक्शे कई बार पलट जाते हैं यहाँ पे जी। सर पार्षद तो जो पहली पार्षद तो उसने कुछ काम किया ही नहीं इलाके के अंदर, तो साफ करते हैं सड़कों का बुरा हाल है यहाँ का, देख लीजिए आप। मेन तो सफाई की सफाई है, गलियाँ नहीं बन रही ठीक तरह से, पानी भरा रहता है गलियों के अंदर। पार्क का लाइट सही नहीं है, समस्या ये है। पार्क में बोर्डिंग था, ये बोर्डिंग खत्म हो गया, पानी नहीं है, मजदूर पानी पीने के लिए तरस रहा है। मेरे क्षेत्र में कोई पार्क सही नहीं है, कोई बाथरूम सही नहीं है, कोई रोड सही नहीं है, यहाँ पे लेडीज़ वगैरह बैठ नहीं सकती आराम से, कुछ नहीं कर सकती। नमस्कार, आप देख रहे दिल्ली अप टू डेट और मैं हूँ आपके साथ विनायक कुमार। अब नगर निगम के चुनाव खत्म हो चुके हैं, अपने अपने क्षेत्र से प्रत्याशी अब जीत चुके हैं। जी हाँ, ऐसे ही हम पहुँचे हैं शास्त्री नगर वार्ड 70 में। हालांकि यहां से अब बीजेपी के काउंसलर बन चुके हैं मनोज कुमार जिंदल जी, लेकिन जनता ने तो अपना जो भी वोट था, मत था, वो तो दे दिया। अब बारी है यहां के पार्षद की कि वो किस तरह से अब लोगों की समस्या पे काम करेंगे। और लोगों का यहां पे समस्या क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम लोगों के साथ जुड़ेंगे और उनसे ही बात करेंगे। आइए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आपका नाम? रामकिशन सदीजा। सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी। ये बताइए कि अब क्या समस्या है शास्त्री नगर में जो काउंसलर से ठीक करवाएंगे? रोड थोड़ी सी यहाँ से टूटी हुई है, जो ये खड्डे सोमदत्त जी ने करवाए थे यहाँ पे, इनको भरवाया जाए ताकि ये रिक्शा विक्शे कई बार पलट जाते हैं यहाँ पे जी। अच्छा, रिक्शे पलट जाते, मतलब समस्या है? हाँ जी, ये खड्डे जो भरे हुए हैं जी, ये खड्डे जो खड़े। सर पिछले जो काउंसलर थे उन्होंने ये सब काम नहीं करवाया? उन्होंने तो उल्टा यहाँ पे वो ब्रेक, क्या बोलते हैं उसको, डिवाइडर ब्रेकर से लगाए थे, जो कामयाब नहीं हुए उसके खड्डे अभी तक आए यहाँ पे, उनको ठीक करवाया जाए। सर आपका नाम? प्रमोद शर्मा जी। सर आप यहीं के रहने वाले? यस। ये बताइए सर क्या क्या समस्या है, क्या चाहते हैं कि पार्षद किन मुद्दों पे काम करे? सर पार्षद तो जो पहली पार्षद थे उसने कुछ काम किया ही नहीं इलाके के अंदर, तो साफ करते हैं सड़कों का बुरा हाल है यहाँ का, देख लीजिए आप। यहीं नहीं, इस इलाके का नहीं, पूरे शास्त्र में घूम लीजिए आप, सड़कों का बुरा हाल है। कहीं भी चले जाइए, धूल मिट्टी सड़क टूटी पड़ी है, गड्ढे टूटे पड़े, कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। पार्कों का हाल जाकर देख लीजिए, निगम पार्षद के इलाके में पार्क हैं, उनके अंदर जाकर देखिए, कुत्ते हैं, गाय हैं, घोड़े सब कुछ में घूम रहे हैं, पब्लिक नाम की चीज़ नहीं है। अभी निगम पार्षद जी आए हैं मनोज जिंदल जी, देखो क्या करते हैं जी, मतलब उम्मीद है? उम्मीद है जी इनसे थोड़ी सी जी। तो यहाँ पे लोगों को उम्मीद है और लोग अपनी मुख्य समस्या बता रहे हैं कि ज़्यादातर यहाँ पे सड़कें खराब है और सड़कों के किनारे अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। सर आपका नाम? मुकेश कुमार। अच्छा मुकेश जी, ये बताइए कि आपको अब यहाँ पे, जैसे कि यहाँ से तो पार्षद बन गए, हाँ जी, तो यहाँ से अब आपको क्या समस्या है, क्या तकलीफ है, ताकि वो जो आपके पार्षद तक की आवाज़ पहुँचे और वो इस चीज़ को लेकर काम करें? देखो, एक तो हमारी समस्या है कूड़े की, एक तो डस्टबिन नहीं है जगह जगह, डस्टबिन हर जगह होनी चाहिए कि बंदा कुछ भी खाए और उसमें डाल दे। और दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये रोडों पर अतिक्रमण है, जो भी देखो गली में आप चले जाओ कि भाई छोटी सी दुकान है, उसके आगे सामान रखा है, उसके आगे उसकी गाड़ी खड़ी है, आप सात नंबर गली में ही चले जाओ तो पूरा अतिक्रमण है। एक बार मैं खुद अपने पेरेंट्स को गाड़ी में लेके जा रहा था, तो रोड पे मतलब गत्ते लगा रखे थे, उसके बाद बंदे स्कूटर लगा रखा, फिर कुर्सी डाल के बैठे हुए हैं। मैंने हॉर्न दिया तो कह रहे क्या हुआ, निकल जाओ। आप सात नंबर गली में आप कैमरा घुमा के देखो कितना अतिक्रमण है। ये दो ही समस्या है, बाकी तो सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ और दुकानदार मिले हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि आखिर अब इन्हें क्या समस्या है। सर सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम है जी चिराग उदीन। सर आप लोगों ने तो वोट दे दिया, आपने पार्षद चुन ली, अब क्या चाहते हैं, क्या समस्या है यहाँ पे दुकानदारों के, लोगों के, जिसे पार्षद ठीक करे? जी हमारी समस्या ये है कि आए दिन हमारे सैंपल लगे रहते हैं यहाँ पे और चलान होते रहते हैं, MCD वाले चलान करते रहते हैं। हमारी समस्या है ये चलान बंद हो जाए इस गली में, जो सैंपल ये बाहर लगाते हैं, हम कार्टून बॉक्स लगाते हैं और आए दिन परेशानियाँ होती रहती है, चलान हर दूसरे तीसरे में महीने होते रहते हैं जी। तो सर ये नहीं लगता आपको कि ये सड़क के बाहर है तो इस वजह से चलान होती होगी? सर सड़क के बाहर तो है, लेकिन हम रेंट देते हैं 25,000 रुपये, 33,000 रुपये कोई चीज़ का रेंट दे रहे हैं, तो हम अपने सैंपल लगाएंगे, जब दिखेगा जब ही तो बिकेगा। हम और भी लोगों से जान लेते हैं। सर आपका नाम? मोहम्मद मुंशी। आप सर यहीं रहते हैं? हाँ जी।
क्या समस्या है सर आपके इस मार्केट में? जो भाई ने बताई वही समस्या है, वो समस्या हल हो जाएगी तो बहुत बढ़िया है। अच्छा, उम्मीद है अपने काउंसलर से कि वो ठीक करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी, आवाज जी बिल्कुल करेंगे। ये बताइए सर कि आपके शास्त्री नगर में क्या क्या समस्या है? एक तो समस्या सफाई की है, दूसरा है कि यहाँ पशु बहुत आवारा, पशु बहुत घूमते हैं, मेन समस्या दो ही है। तो ये दो मुद्दे पे काम होना चाहिए, दो मुद्दे पे काम। सर जो पिछली काउंसलर थी उन्होंने इन मुद्दों पे काम किया? ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान नहीं दिया थी इन मुद्दों पे। आज भी घूम रहे गाय, वो गाय भेजते तो अभी घूम रही। अच्छा, और सफाई? सफाई बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब दोनों में से किसी मुद्दे पे ध्यान नहीं दिया बस। सर आपका नाम? कुत्ते, कुत्ते तो बिल्कुल घूम रहे हैं जी, हमारे डेली काट रहे हैं जी कुत्ते यहाँ। हाँ, डेली आदमी को काट रहे हैं जी, कुत्ते तो इतने हो गए हैं यहाँ, 50 कुत्ते जी आवारा कुत्ते जो हैं जी। और तो क्या, जिनके अपने दूसरे कुत्ते भी हैं ना जिन्होंने पाल रखे हैं, वो भी कुत्ते काट रहे हैं, उनका भी कोई सुनवाई नहीं है। और क्या समस्या है सर? तो सफाई तो है ही है, मेन तो सफाई की है, सफाई है, गलियाँ नहीं बन रही ठीक तरह से, पानी भरा रहता है गलियों के अंदर। मतलब शिविर की भी समस्या है? वो तो समस्या है ही है जी, कोई निकलता नहीं पानी, और पानी तो आता ही नहीं है, जो जल बोर्ड है उसका पानी आता ही नहीं है सुबह तो बिल्कुल भी जी। अच्छा, हाँ ऊपर नहीं चढ़ता जी 3 मंजिल पे। तो सर इससे पहले जो पूर्व पार्षद थी क्या वो देखने आई? कोई भी नहीं, आज तक तो कोई आया नहीं जी, सिर्फ वोट मांग के लिए आते हैं, कोई नहीं आता बाकी। आपका नाम? बलबीर सिंह। बलबीर जी ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्या है और जो नए पार्षद हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? एक तो नए पार्षद हैं वो मतलब बढ़िया आए हुए हैं इस टाइम, वो काम भी करेंगे बढ़िया। एक तो ये 7 नंबर गली जो बहुत ज़्यादा कंजेशन रहती है, जिसमें भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा रहती है कि निकलने वाले को बहुत ज़्यादा समस्या है, इसको थोड़ा सा अंडर कंट्रोल करवाया जाए जिससे कि किसी को तकलीफ ना हो निकलने की पड़ने की। बाकी और ऐसी कोई समस्या नहीं है कि शास्त्री नगर में सब एक दूसरे से मिलजुल के रहने वाले हैं, ऐसी कोई ऐसी वो बात नहीं है। हम उसके लिए जिंदल साहब का भी अभिनंदन करते हैं। तो चलते चलते हम पहुंच गए आप शास्त्री नगर ए ब्लॉक में, और यहाँ पे भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे उनकी समस्या क्या है। सर आपका नाम? मेरा नाम शक्ति सिंह है, बिहार के रहने वाले हैं। शास्त्री नगर पार्क का अभी तक देखिए मूस का है, सफाई नहीं है, ये दिक्कत है, रोड देखिए, समस्या तो ये है। मजदूर को पार्टिकुलर नहीं बोलना है, पार्टिकुलर इसे विधायक हो या जो बबीता था, लॉकडाउन में हम लोगों बिहारी यूपी वाला कोई मदद नहीं या कहीं का आदमी को नहीं किया, और जिंदा लॉकडाउन में 5 रुपये खाना, उसके बाद लॉकडाउन में फ्री खाना बांटता था, इसीलिए गरीब आदमी का इसका दया का पात्र बना और भगवान इसको साथ दिया। नहीं, दया के पात्र बने और वो अब जीत गए। तो आप क्या चाहते हैं उनसे, किस तरह से काम हो? सबसे पहले तो गंदा नाला जो है ना, ये शास्त्री नगर के काते काते इसका सफाई हो, बहुत महकता है, आज तक नहीं हुआ। आप नहीं होगा ना पुल पर जा खड़ा होइए, सबसे पहले मेरा मांग होगा कि गंदा नाला को सफाई किया जाए। और क्या समस्या है? और समस्या पार्क को सुधार किया जाए, और क्या समस्या कहा जाए। अभी सड़के सड़के देख लो भाई, सड़क तो आपकी नज़र में है, सड़क कैसे हैं? तो क्या मतलब यहाँ पे शास्त्री नगर में आप रहते हैं 84 से, क्या लग रहा है सर क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ समस्या ये है कि सड़क सही नहीं है, पार्क का लाइट सही नहीं है, समस्या ये है। पार्क में बोर्डिंग था, ये बोर्डिंग ख़त्म हो गया, पानी नहीं है, मजदूर पानी पीने के लिए तरस रहा है। और यहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय भी बना है, इसमें भी बहुत गंदगी है, बहुत ज़्यादा एकदम। हाँ। क्या चाहते हैं, किस तरह से काम सर? सड़क का काम हो हमारा, सबसे पहले कि यहाँ बैठते हैं पब्लिक पानी पिए, मजदूर आदमी हम कहाँ पानी पीने जाएंगे, किसके घर जाएंगे? बोरिंग लगा देते पानी पी लेते, वो बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, लाइट 5 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल अंधेरा हो जाती है, मजदूर आके 2 मिनट बैठते हैं, आराम करती हैं, ये चीज़ चाहिए हमको, क्या चाहिए मतलब, ये आपकी मुख्य समस्या है? हाँ जी। सर आपका नाम? मेरा नाम टुन्नू सिंह है। ये बताइए शास्त्री नगर में क्या क्या समस्या है जिसे आप चाहते हैं कि ठीक किया जाए? पानी का और रोड का तो ज़्यादा ही है, बाकी तो ये सफाई अभियान जो है इसमें अगर डिस्टर्ब है बस, और तो लगभग ठीक ही है। तो बीजेपी के मनोज कुमार जिंदल जी पार्षद बन गए हैं, तो उनसे क्या उम्मीद है? यही है कि वो बढ़िया करवाएंगे जो भी करवाएंगे। आपका नाम? अमित कुमार झा। ये बताइए कि शास्त्री नगर में मुख्य समस्या क्या क्या? देखिए मुख्य समस्या शास्त्री नगर का तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ का मुख्य समस्या बताएंगे, जो पार्क में जो है बोरिंग नहीं है, सारे लेबर को पानी पीने में दिक्कत होता है, और उम्मीद है कि हम जो है जिंदल साहब को बोलेंगे और तुरंत अभिलंब लगा देंगे, वो वेट नहीं करेंगे कि हमें कोई फंड देगा।
ये जो पार्क है इसका जो गेट है, यहाँ जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है शास्त्री जी का यहाँ पे मूर्ति आवरण किया गया है और उसी के नाम से था, लेकिन विधायक जी ने चार गुदाना क्या लगा दिया, अपना नाम लिख दिया। ये कभी नहीं, ये नाम को हटाना है, ये उसकी नाम नहीं होना चाहिए। और MCD वाले ने क्यों ऑथराइज दिया, हमने अगर लिख के देते तो इस पर भी बहुत बड़ा सवाल। विधायक जी कहीं ना कहीं काम कम और नाम ज़्यादा कमाना चाहते हैं। हाँ, नाम ज़्यादा कमाना चाहते हैं और काम जीरो पे आउट है। नहीं हो तो ये पत्थर देख लो और उस पर देख लो उस पर क्या लिखा हुआ है, जो पेपर से अभी ढका हुआ है विधायक का नाम लिखा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। शास्त्री जी का नाम है और शास्त्री जी का ही नाम रहना चाहिए। तो लोगों के यहाँ पे अपने अपने मुख्य समस्या हैं जो कि लोग लगातार बता रहे हैं। आपका नाम? अंकित बंसल। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? मेरे क्षेत्र में कोई पार्क सही नहीं है, कोई बाथरूम सही नहीं है, कोई रोड सही नहीं है, यहाँ पे किसी की लड़ाई होती रहती है, मतलब बहुत काम है, कोई सा पार्क सही नहीं है, किसी में चले जाओ लेडीज़ वगैरह बैठ नहीं सकती आराम से, कुछ नहीं कर सकती, बतेरा काम है। जैसे रोड कितनी कंप्लेंट डालो कुछ भी लो, सीवर लाइन सही नहीं है इनकी, बारिश आ जाए तो ड्रेनेज सही नहीं है इनका, मतलब कोई भी सिस्टम शास्त्र में नहीं ठीक है। और सुरक्षा कितना है? सुरक्षा भी नहीं है इनकी, लेडीज़ रात के टाइम नहीं घूम सकती बिल्कुल भी। तो अब आपने जिन्हें जिताया है उन पार्षद से किस तरह से उम्मीद रख रहे हैं ताकि इन सब मुद्दों पे काम किया जाए? वो हर तरीके से काम करेंगे हमारे। तो अब हम आपको लेके आए हैं वही शास्त्री पार्क में जहाँ पर आगे लिखा गया है विधायक सोमदत्त का नाम, उनके हिसाब से उन्होंने इसमें पार्क में काम करवाए हैं। अब काम क्या हुआ है ये जरा आप नज़दीक से देखिए। हरियाली आपको दिख रही होगी पूरी पूरी कि किस तरह से रेगिस्तान में हरियाली है, और हरियाली में ये देखिए आपको चूहे के बिल देखेंगे कि किस तरह से पार्क बर्बाद हो चुका है। लोगों को जो बैठने के लिए यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई थी वो कुर्सियाँ भी बिल्कुल टूट गई है और ना ही तो इसका कोई मरम्मत हुआ है। पार्क में अगर आप दूर दूर तक नज़र दौड़ाए तो आपको एक भी लाइटें नहीं दिखेंगे। खंभा जरूर दिख जाएगा क्योंकि खंभा लगाया गया है लेकिन उसकी लाइटें नहीं लगी। नीचे आपको दिख ही रहा है कि कितने इसमें बिल बने हैं और पार्क में हरियाली के नाम पर बिल्कुल रेगिस्तान जैसा माहौल बना हुआ है। बच्चों के लिए झूले हैं वो भी ऐसे ही हैं, एक दो सामने अगर झूला देखे तो वो भी टूट गया और ना ही तो उसकी कोई रिपेयरिंग हुई ना ही कुछ। हालांकि हम आपको बता दें कि इस पार्क का नाम शास्त्री पार्क रखा गया था जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी के नाम पे था, लेकिन उसके नीचे चार स्लैब लगवाने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक सोम दत्त ने अपना नाम लिखवा दिया और उन्होंने काम के नाम पर किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया है ये आप देख सकते हैं। ना ही तो पार्क में एक पानी की सुविधा है, ना ही तो डस्टबिन है, जो बच्चों के लिए झूले लगाए वो भी गायब है, हरियाली के नाम पे जीरो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्क के अंदर पार्क को रेगिस्तान बना दिया गया है। ये चूहे इसके बिल में किस तरह से दिखते होंगे, पोल लगे हुए हैं लेकिन उस पे लाइट नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये सारा चीज काम के नाम पे बिल्कुल जीरो है। आगे हम आपको दिखा दें कि इसी पार्क से ठीक आगे एक शौचालय है, ना ही तो शौचालय की कभी सफाई होती है ना ही उसे कोई देखने आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे दिल्ली अप टू डेट।